हाय गाइज, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है हमारे चैनल पे। और वापस एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं जिसमें हम बात करेंगे स्टेज टू के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि ये पेटेड डेविल इवेंट चल रहा है, तो उसके स्टेज टू के हीरो कॉम्बिनेशंस और सही टाइम पे एबिलिटीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है वो देखेंगे इस वीडियो में। और देखो, कॉम्बिनेशन तो अभी मैंने दिखा दिया स्क्रीन पे, लेकिन वीडियो एंड तक देखना क्योंकि कॉम्बिनेशन होने के बाद भी कई लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा एबिलिटीज़ का खेल है। अगर सही टाइम पर एबिलिटी यूज़ कर ली तो बस जीत गया, बहुत आसान स्टेज है ये। अगर लेकिन सही टाइम पे एबिलिटी यूज़ नहीं की तो फिर बहुत टफ स्टेज है ये। तो देखो, एबिलिटी सही से यूज़ करना। देखो, पहली स्टेज में कोई एबिलिटी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली स्टेज ऐसे ही हो जाएगी। देख रहो क्या हलवा स्टेज आई है पहली, तो सॉरी पहली स्टेज नहीं। तो देखो, अब दूसरे राउंड में क्या करना है, ये मतलब ये ठीक ठाक है, इसमें मतलब एबिलिटी सही से यूज़ करनी है, मतलब थोड़ी और सही से, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से है। पहला राउंड बहुत आसान है, बहुत बिल्कुल हलवा। दूसरा मीडियोकर, मतलब थोड़ा बहुत टफ, अगर थोड़ा सा सही से कर लिया एबिलिटीज यूज़ तो हो जाएगा। लेकिन तीसरे में तो बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, वरना नहीं हो रहा। तो देखो, इस टाइम एबिलिटीज़ यूज़ करनी है जब ये रेनफोर्समेंट आ जाए, तब तक के लिए होल्ड रखनी थी जैसे अभी मैंने यूज़ किया। और रोज़ नाइट के यहाँ पे भी मतलब काफ़ी सही से यूज़ करनी है। देखा होगा यहाँ का पूरा का सेक्शन क्लियर कर देगी। लेकिन हाँ, ट्रैकर एक ऐसा था जिसमें कहीं मतलब ट्रैकर की एबिलिटी कहीं पे भी यूज़ कर दो, क्योंकि वो मास में डैमेज देता नहीं। और यहाँ पे ज़्यादा मतलब जो अच्छे मतलब हीरोज़ माने जाते हैं, मतलब इस स्टेज को क्लियर करने के लिए जो ज़्यादा अच्छे हीरोज़ हैं वो हैं वो हीरोज़ जो मास में डैमेज देते हैं। जैसे कि मैंने नाइट रेवन लिया है और पेटेड डेविल पहले से है मेरे पास। रोज़ नाइट 3, 4, 5 को एक साथ डैमेज दे सकती है, तो ऐसे। अब यहाँ पे देखो क्या मतलब, यहाँ पे एबिलिटीज़ मतलब बहुत सही से यूज़ करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही यूज़ करना है, मतलब बिल्कुल एक एक डिट्टो वैसे यूज़ करना। और अगर वैसे यूज़ कर लोगे तो हो जाएगा, वरना फिर बहुत टफ है। अब देख रहा हूँ यहाँ पे मैंने इतना कुछ डैमेज दिया, लेकिन उसने काफ़ी अच्छी खासी हेल्पफुल कर दी। और मेन दिक्कत तब आती है जब रेनफोर्स आ जाती है और मेरी रोज़ नाइट अभी मर जाएगी। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, रोज़ नाइट मर भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो ना, एबिलिटीज़ एक साथ अब यूज़ करते रहना। अब जैसे ऐसे एबिलिटीज़ आती रहे ना, आती जाए, कोई भी बचाना मत, सारी यूज़ करते जाना, कोई भी मत बचाना। और बहुत जल्दी जल्दी इस बार आएगी। और हाँ, लेकिन एक ट्रैकर की जो एबिलिटी है वो सिर्फ हेल ड्रायर पर ही यूज़ करना। मैंने यहाँ पे हो सकता है कहीं पे और यूज़ कर दियो, लेकिन तुम लोग ट्रैकर की एबिलिटीज़ हेल ड्रायर पे ही यूज़ करना। और वैसे मैंने भी नहीं की होगी यार, तो ट्रैकर की एबिलिटीज़ तुम लोग हेल ड्रायर पे ही यूज़ करोगे। जैसे कि अभी ये देखो, हाँ नहीं नहीं मैंने कर दी, देखा मैंने कहीं और यूज़ कर दी थी, हेल ड्रायर पे यूज़ नहीं की थी। लेकिन तुम लोग यूज़ करना तो जल्दी बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखो, ये हो चुका है, स्टेज क्लियर हो चुकी है। तो अब बस यहीं पर एंड करते हैं वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। देखो यार, तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ लाइन ग्रुप पे शेयर करो यार, वी गेमर्स पे शेयर करो, जहाँ शेयर करना हो करो, लेकिन यार शेयर करो। और चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आएगी कल स्टेज 3 की। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।